नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड ने हाल ही में इंटर और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी किया। एक तरफ बिहार बोर्ड ने देश भर में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो दूसरी तरफ बिहार का एक ऐसा विद्यालय भी है जिसने बोर्ड परीक्षाओं में राज्य को बंपर टॉपर्स देने का रिकॉर्ड बनाया है। 10वीं 12वीं के रिजल्ट की बात करें या फिर देश भर में जेईई के रिजल्ट्स की बात की जाए, इस विद्यालय पर सबकी नजर टिक जाती है कि इस साल कितने टॉपर्स होंगे। आप भी समझ गए होंगे कि हम किस स्कूल की बात कर रहे हैं। जी हां हम बात कर रहे हैं जमुई जिले में स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय की। यह स्कूल सबसे ज्यादा टॉपर देने के नाम से जाना जाता है। इस साल भी मैट्रिक की परीक्षा में यहां से 13 छात्रों ने टॉप किया है। इस स्कूल की पूजा कुमारी ने 484 अंक लाकर स्टेट टॉपर बनी है, तो दूसरी तरफ सिमुलतला में ही 8 संकाय से पढ़ने वाले कैलाश कुमार ने इंटर की परीक्षा में 92.6% के साथ राज्य भर में पहला स्थान पाया है। टॉपर्स की फैक्ट्री कहे जाने वाला सिमुलतला आखिर किस तरह हर साल बिहार को स्टेट टॉपर विद्यार्थी देता है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले सिमुलतला के इतिहास के बारे में बात करते हैं। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहां बच्चों के टैलेंट को निखारा जा। नेतरहाट और सैनिक स्कूल दोनों झारखंड के हिस्से चले गए थे। ऐसे में ये विद्यालय बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से साल 2010 में खुला। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 अगस्त 2010 को इस विद्यालय का उद्घाटन किया। यह स्कूल जमुई जिले के झाझा ब्लॉक के सिमुलतला नाम की जगह पर है। यहाँ के छात्र कैसे कमाल कर जाते हैं, ये बताने से पहले हम आपको कुछ सालों के 10वीं के नतीजों के बारे में बताते हैं। यह स्कूल साल 2015 से ही टॉपर दे रही है। साल 2015 में यहाँ के 19 विद्यार्थी 96% अंक के साथ टॉप 10 की लिस्ट में आए थे, जो किसी स्कूल के लिए बिहार बोर्ड का अब तक का रिकॉर्ड है। साल 2018 में शीर्ष 10 में 23 में से 16 विद्यार्थी यहीं से थे। वर्ष 2019 में टॉप 10 में शामिल 18 छात्रों में से 16 सिमुलतला के ही थे। वहीं साल 2020 में यह विद्यालय थोड़ा फिसड्डी रह गया था और राज्य को 3 ही टॉपर दे सका था। इस बार भी टॉप 10 में 101 छात्रों में से सिमुलतला के 13 विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है। अब बात करते हैं यहाँ के शैक्षणिक व्यवस्था की। सिमुलतला विद्यालय एक गुरुकुल पद्धति पर आधारित सह शिक्षा वाला आवासीय विद्यालय है, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा के लिए जाना जाता है। यह नामांकन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए लिया जाता है और सभी वर्गों के लिए सीट आरक्षित है। स्कूल में कमजोर छात्रों के लिए अलग से रेमेडियल क्लास की व्यवस्था है। यहाँ ईच वन टीच वन के तहत सीनियर छात्र जूनियर छात्रों को पढ़ाते हैं। यहाँ छात्रों को हर रोज 1 घंटे बोलकर पढ़ाई करवाई जाती है, तो वहीं गुरुकुल परंपरा के तहत छात्र छात्रा ही खाना पकाने और सफाई का काम करते हैं। इतना ही नहीं, क्लास और छात्रावास में हर 20 छात्र पर एक शिक्षक है, जिससे बच्चे की पढ़ाई पर उचित ध्यान दिया जाता है। यहाँ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है, मगर हिंदी और संस्कृत पर भी विशेष जोर दिया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर लाइब्रेरी के साथ ही नियमित रूप से बच्चों को योगा भी करवाया जाता है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिल्म दिखाने की भी व्यवस्था होती है, ताकि पढ़ाई के साथ ही किसी भी क्षेत्र में यहाँ के बच्चे पीछे ना रहे। तो ये थी टॉपर्स की फैक्ट्री सिमुलतला की इनसाइड स्टोरी। सिमुलतला के मेधावी बच्चे और यहाँ पर पढ़ाई के प्रति सकारात्मक माहौल ही इस विद्यालय को बेहद खास बनाता है। इस विद्यालय की छवि भी ऐसी बन गई है कि यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे की एक ही ख्वाहिश होती है कि टॉपर लिस्ट में उनका नाम शामिल हो। यहाँ आपको बता दें कि स्कूल का संचालन सिमुलतला एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, जो कि बिहार राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित समाज है। सरकार के अधीन चल रहा जमुई का यह सिमुलतला विद्यालय सरकारी विद्यालयों की नकारात्मक छवि को भी हर साल पीछे छोड़ देता है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज बिहारी न्यूज को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।